लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के एक नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार नक्सली सेना थाना क्षेत्र के चौकनी गांव निवासी विजय कुमार साहू के रूप में पहचाना गया। पीएलएफआई ने विजय कुमार साहू को सेना थाना क्षेत्र में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी थी। पुलिस की माने तो विजय साहू ने दर्जन भर लोगों को संगठन से जोड़ भी लिया था और दहशत फैलाने के लिए फुलझर नहर निर्माण स्थल पर लेवी के लिए दबाव बनाया। लेवी नहीं मिलने पर दिसंबर 2019 में निर्माण स्थल पर फायरिंग कर निर्माण काम बंद करा दिया था। सेना थाना प्रभारी वीरेंद्र एक्का की माने तो विजय साहू बलात्कार और आर्म्स एक्ट में जेल की हवा खा चुका है। विजय साहू पकड़ा गया है, उसका सेना थाना कांड संख्या 94/95/1995 का वो अपराधी अभियुक्त है। साथ ही अभी 62/20 केस हुआ था फुलझर नाला वाला केस में, उसमें भी उसका नाम आया हुआ है। नक्सली संगठन से वो पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो पीएलएफआई में वो अपना विस्तार कर रहा था, वो अपना दस्ता बना रहा था और उसके लोग गतिविधि में शामिल था वो। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, लोहरदगा।